हे दोस्तों, मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत हेल्प और बेनिफिट मिलेगा अगर आप जिम करना चाहते हैं या फिर जिम करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा मिलने वाला है और 100% मिलने वाला है। तो दोस्तों लास्ट तक तो जरूर देखना। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और बेल आइकन को भी बजा लेना। ये करने से हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ज़्यादा लोग जिम एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, लेकिन दोस्तों एक्सरसाइज करने से सिर्फ बॉडी नहीं बनता और बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को, जो शायद किसी को मालूम नहीं। जिम करने से जो पहला फ़ायदा मिलता है वो है हमारी हेल्थ को। हाँ, आपने सही सुना। अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हैं या फिर आपकी वेट कमाना चाहते हैं तो आपके लिए जिम सही है, आपको जिम करना चाहिए। अगर आपको हेल्दी और गुड हेल्थ चाहिए तो आपके लिए भी जिम करना सही है। अगर आपको अपनी मसल बढ़ाना है या फिर उसको स्ट्रांग बनाना है तो आपके लिए भी जिम सही है। दोस्तों जिम का बहुत रोल है अपनी हेल्थ को लेकर, जो हेल्थ को अपनी बहुत बेहतर बनाता है। तो इसलिए दोस्तों जो हेल्दी रहना चाहता है या फिर हेल्थ को स्ट्रांग बनाना चाहता है या फिर गुड हेल्थ चाहता है तो एक्सरसाइज करना चाहिए। जब आप जिम वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी के ऑल पार्ट एक्टिव वर्क करता है, जो आपको हेल्थ को बेस्ट बनाता है या फिर बीमारी से बचाता है। हाँ दोस्तों, जो लोग जिम करते हैं उसको ना के बराबर बीमारी आता है और वो थोड़ा दूसरे से हैंडसम होते हैं, मतलब उसका चेहरा थोड़ा अट्रैक्टिव होता है जो लोग जिम करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप भी हैंडसम बनना चाहते हैं तो जिम करना चाहिए क्योंकि वो लोग दूसरों से ज़्यादा फिट और क्या है कि हैंडसम लगते हैं, क्योंकि उसका बॉडी जो मसल है वो ग्रोथ होता है एंड बॉडी का लैंग्वेज है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है जो दूसरों को अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों आपको तो जिम करना चाहिए अगर ये चाहिए तो। जो दूसरा बेनिफिट है वो है कॉन्फिडेंस। हाँ दोस्तों, कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना। जो लोग जिम लोग ज़्यादा करते हैं, जो लोग जिम करते हैं उसको पता होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो लोग अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हैं दूसरे से, जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है। इसलिए दोस्तों आपका अगर कॉन्फिडेंस लो है तो आपको जिम जरूर करना चाहिए। हाँ दोस्तों, यकीन करिए अगर आप जिम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा, ये मेरी तरफ से आपको वारंटी है दोस्तों। जो चौथा बेनिफिट है वो है माइंड पावर। जो लोग जिम करते हैं उन लोगों की माइंड पावर नॉर्मल लोगों से 25% बेस्ट और फास्ट होता है। यकीन करना दोस्तों, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, मैं जिम करता हूँ, मैं भी यकीन कर चुका हूँ। जो लोग जिम करते हैं वो थोड़ा माइंड पावर में बेस्ट होते हैं नॉर्मल लोगों से, उसका माइंड पावर थोड़ा फास्ट और बेस्ट भी होता है। अगर आपका माइंड भी नॉर्मल है, आप अपनी माइंड को ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं तो आपको के लिए जिम करना सही है। नंबर 5, जो लोग जिम करते हैं वो ज़्यादा जिद्दी होते हैं, मतलब इंटेलिजेंट भी होते हैं, जो किसी भी काम करने के लिए डरते नहीं और वो लोग वो काम कर सकते हैं जो काम कुछ नॉर्मल लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, उनकी बॉडी में ज़्यादा पावर होता है जो लोग जिम करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं शेर की तरह जीना तो आपको जिम करना तो चाहिए, क्योंकि जो जिम करते हैं वो शेर ही होते हैं, बिल्कुल ह्यूमन वाला शेर। नंबर 6, जो लोग जिम करते हैं उसको अगर नॉर्मल लोगों से कंपैरिजन करेंगे तो वो जिम करने वाले 30% बेस्ट होते हैं नॉर्मल लोगों से, मतलब 30% बेस्ट फास्ट और एडवांस होते हैं नॉर्मल लोगों से। और जो लोग जिम करते हैं वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं दिखने में, और क्या है कि उनका माइंड भी ज़्यादा बेस्ट होता है, उसका कॉन्फिडेंस भी बेस्ट होता है। तो इसलिए दोस्तों देखा जाए तो जिम करते हैं वो थोड़ा एडवांस लेवल पे चल जाते हैं ह्यूमन के मामले में। अगर आप भी चाहते हैं बेस्ट बनना, कुछ करना और अपनी हेल्थ को बेस्ट रखना और दुनिया को कुछ दिखाना तो दोस्तों जिम तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जिम आपको बेस्ट रखता है, फिट रखता है, इसलिए करना चाहिए, इसमें बहुत फ़ायदा है दोस्तों। मेरी राय मानो तो आपको जिम तो ज़रूर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लम को लेके तो आप मुझे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।